हेलो नमस्कार, मैं बाबा अनिल अनिल मजुमदार। एक मैं जो वीडियो आपके सामने वो करूँगा हमजा सिद्धि, जिसके वीडियो मैं डाल चुका हूँ, और मेरे एक परम प्रिय शिष्य मुर्शिदाबाद के अभिजीत मंडल, ये बहुत ही जो है मेरे प्रिय शिष्य हैं, जाति के बंगाली हैं, तो उन्होंने हमजा सिद्धि करने का, हमजा सिद्धि मतलब जो है आपका जो परछाई होती है उसको सिद्ध करना, से ना वो परछाई आपसे बातें भी करेगी, आपके साथ चलेगी फिरेगी सब कुछ करेगी, लेकिन वो होगा आप ही का रूप। उस हमजात सिद्धि को करने के लिए अभिजीत भट्टाचार्य पिछले 5-6 दिन से कर रहे हैं और ये 40 दिन तक करेंगे। 40 दिन के बाद ये जो हैं 40 दिन के बाद 40 दिन के अंदर ही अंदर इनको सिद्धि मिल जाएगी। यदि उनका शैडो है ना, उनकी परछाई यदि सिद्ध हो जाती है तो वो उनसे बातें भी करेगी, वो उनके साथ चलेगी फिरेगी सब कुछ, और जो कुछ भी वो पूछेंगे उनसे तो वो उनको बताएगी और सब मतलब धन धान से परिपूर्ण कर देगी सब कुछ। ये बहुत ही कठिन सिद्धि है, 40 दिन तक वो करेंगे और 40 मिनट प्रतिदिन। उसमें करना क्या होता है, एक आप साफ़ सुथरा कमरा लेके उसमें एक मिरर लगा दीजिए, मिरर मतलब दर्पण, दर्पण मतलब जिसमें मुंह देखते हैं, शीशा एक लगा दीजिए, जिसमें आप यदि बैठ के भी करते हैं तो वो आपके बिल्कुल आपका चेहरा आपकी आँखें उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े, और इसमें भाई चश्मा नहीं लगाना पड़ता है ना। तो जो है आप क्या करेंगे कि उसके सामने बैठ जाएंगे और बैठ के जो है एक टक बिना पलक झपकाए 40 मिनट 40 दिन तक करना है। तो भाई मैंने उनसे कहा था पहले प्रैक्टिस कर लो, तो उन्होंने जो है पहले 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अब वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हमारे घर से वो 40 मिनट बहुत जल्दी उनके हाथ में आ जाएगा और 40 दिन में शायद वो छाया पुरुष, जिसको हिंदी में कहते हैं छाया पुरुष, की सिद्धि उनको मिल जाएगी। ये अनुष्ठान वो कर रहे हैं, और हाँ चूँकि वो बंगाली हैं हिंदी ठीक से बोल नहीं पाते, इसलिए उन्होंने इंग्लिश में कहा है, जो मतलब इतना कठिन भी नहीं है, आप समझ सकते हैं, उसको समझिए, उसके करने की विधि समझिए, और बाकी यदि कुछ पूछना हो तो मुझसे आप फ़ोन पे 9616205263। हमजा सिद्धि, जिसको हिंदी में छाया पुरुष कहते हैं और अंग्रेजी में शैडो है ना, तो शैडो मतलब परछाई होती है, तो आप जो हैं इसको करिए, करके लाभ उठाइए, देखिए वो कैसे कर रहे हैं। 40 दिन तक 40 मिनट बिना पलक झपकाए एक टक दोनों भावों के बीच में, मतलब आपको देखना है, और कोई भी बात आपको पहले पहले तो आपका मन इधर उधर डोलेगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाएगा। इसको योग विद्या में त्रातक विधि भी कहते हैं। ये त्रातक विधि मैंने सूर्य को देखते हुए की है। सूर्य भगवान को मैं जिस समय आप जैसे भी जब भी कभी कहें, चाहे वो जून का महीना हो, मई का महीना हो, या बिल्कुल मतलब भीषण गर्मी हो रही हो, मैं एक टक सूर्य भगवान को देख सकता हूँ। यही मेरी त्रातक विद्या है, और यही को हमजा सिद्धि कहते हैं, और यही छाया पुरुष सिद्धि होती है, और अंग्रेजी में शैडो का, ये शैडो की सिद्धि होती है, समझे ना। तो इसको आप वीडियो देखिए, आप वीडियो देख के पसंद करिए, लाइक करिए, उसको आशीर्वाद दीजिए, और कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा कि आप वो सफल हो सकता है 40 दिन तक 40 मिनट प्रतिदिन करने में। आशा करता हूँ कि आप लोग सब इसको देख के और मुझको जो है अवश्य फ़ोन करके बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिजीत मंडल। I am the disciple of my Guruji, Sri Anil Mojumdar, residing at Madhya Pradesh, MP. And according his guidance, I am doing
ए साधना नेम्ड मिरर त्राटक इन दिस साधना वन मिरर सी दिस इज मिरर वन मिरर इज टू सेटिंग ऑन द वॉल facing south direction and I am sitting just opposite direction and facing my face should be to south direction and this sadhana will be going up to 41 days and I have started it on 16th August and I'm sure according my Guruji's advice I will achieve my target means my sadhana would be successful according to my Guruji. So I am starting my sadhana and stay with me. Thank you. Look at me. I am sitting facing my mouth to north direction and in front of me one mirror is sitting facing south direction and I am going to start my sadhana. Please look at me. Just focus my two eyes between my eyebrows, just in the center of two eyebrows, and without blinking, it should be continued as much as possible. And such like we should be continued in 40 minutes and up to 41 days. And between these periods, we must watch something unexpected things into the mirror. And we should not to fear about seeing these images, just my imagination is going on, is visualizing in the mirror. My aura is visualizing in the mirror. So we should not to fear, just focus between my two eyebrows and continue. And according to my Guruji Sri Anil Majumdar, it will be better result, it will be more powerful method to improve myself, to improve oneself. So I love him and follow his words. Thank you. Such like we have to focus
बिटवीन टू डाइवर्स। धन्यवाद।